सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूं और राजन पवन सीरीज पूरा पढ़ा के कंप्लीट करा चुका हूं, मॉडल पेपर्स करा चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा चुका हूं, अब यहां पे एक चीज बचती थी कि हम एक वीडियो में सारे फॉर्मूलेज जो हैं आपके जितना भी फॉर्मूला है, जितने भी सूत्र हैं, उनको डिस्कस कर लें, किन सूत्रों पे आपके प्रश्न बनते हैं, तो वो भी एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे मैं आपके लिए बना रहा हूँ। इस क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन से सूत्र आपके परीक्षा में किन सूत्रों पे प्रश्न बनते हैं और उन सूत्रों को आपको किस तरीके से याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है और किस तरीके से उनपे प्रश्न जो बनते हैं उनमें क्या गलतियां होती हैं। साथ साथ मैं भी ये भी आपको बता दूंगा और ये सारी चीजें हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर लेंगे, तो आपका पूरा जो फॉर्मूला है वह रिवीजन भी हो जाएगा, फॉर्मूला आपको याद भी हो जाएगा, कहां गलतियां हो सकती हैं जब ये मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा तो आप वो गलतियां नहीं करोगे, तो आप जल्दी से सारा पेपर सॉल्व करके आओगे, अच्छा पेपर करके आओगे उम्मीद करता हूं। तो लास्ट समय में यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगी, तो सभी के लिए यह वीडियो है, सभी को शेयर कर दीजिए, जितने भी प्रशिक्षु हैं, अधिक से अधिक जितने भी खास मित्र हैं आपके, जितने भी ग्रुप्स हैं, सभी में शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका वह कर्णी, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, इस पे आधारित प्रश्न इस पे बनते हैं। और कर्णी, देखिए कर्णी भी एक तरीके से घात होती है, तो सबसे पहले आपको समझना होता है कि किसी संख्या पे घात क्या होता है। आपको पता है किसी संख्या पे वो घात दर्शाता है कि उस संख्या का कितनी बार गुणा किया गया है, लेकिन अब यहाँ पे आपको घातों का नियम समझना है कि किस तरीके से अगर कहीं हमको किसी संख्या पे घात दिख रहा है तो उससे हमको कैसे डील करना है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी संख्या के जैसे a के ऊपर शून्य लिखा है तो उसका मतलब हो जाता है, उसका जो मान हो जाता है वह एक हो जाता है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी संख्या हो, एक के ऊपर शून्य लग जाएगा तो भी उसका मान एक हो जाएगा, और 1001 के ऊपर भी शून्य लग जाएगा तो उसका भी मान एक हो जाएगा। तो यहां से पहला जो नियम घात का आपको समझ में आता है, किसी भी संख्या के घात में अगर शून्य है तो उसका मान एक होगा। इसके बाद दूसरा नियम समझिए कि अगर किसी संख्या के घात में नेगेटिव है, ठीक, तो उसको हम चाहे तो उसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जैसे किसी संख्या के ऊपर, जैसे 7 के ऊपर ऋण 2 है तो इसको लिखा जा सकता है 1/7 के ऊपर 2। देखिए आधार वही रहा, बस ये भिन्न में आ गया, ठीक है, 1/1 के रूप में। तो यही कहा गया है कि 1^m है तो वो हो जाता है, उसको लिख सकते हैं 1/1m। इसके बाद देखिए, अगर दो संख्याएं हैं जिनका आधार समान है, उनका गुणा हो रहा है और उनके ऊपर कुछ घात लगी है, जैसे 5 के ऊपर 3 घात है और 5 के ऊपर 4 घात है, इनका गुणा हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं 5 के घात में 3^4, यानी कि ये 5 के घात में कितना हो जाएगा, 7। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका याद हो गया आपको। इसी तरीके से अब आधार लेकिन समान होना चाहिए, दोनों जगह आधार कितना होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए। इसी तरीके से अब ये गुणे का नियम देखा आपने, अब भाग का नियम अगर है, अगर भाग हो रहा होता है तो यही घातें घट जाती हैं, और यही अगर किसी संख्या पे घात लगी है और फिर उसके बाद उसके ऊपर से उस पर कोई घात लगाई जा रही है तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है। अगर जैसे लिखा है 2 के घाते 4 के घाते 5, तो इसको ये कितना हो जाएगा, 2 के घाते 4 × 5, यानी कि 4×5 = 20, 2 के घाते 20 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अब ये समझिए कि किसी संख्या के घात में अगर जो घात है वह बटे के रूप में है, जैसे 1/n लिखा है तो इसका मतलब होता है इस पे n घात की कर्णी संख्या पे, ठीक, और यहीं पे अगर लिखा हो 1^m और बटे n, ये भी भिन्न है तो n घात की कर्णी लगा दीजिए और इसमें जो संख्या है उसमें m घात हो जाएगी। जो अंश में है वो घात है और जो हर में होता है वह कर्णी की घात है, ठीक, ये समझ गए आप। तो इतना आप घात का नियम समझ गए, अब कर्णी भी आप समझ लीजिए। तो कर्णी का नियम है, अगर कर्णी की घात जितनी है वही घात लगा दिया जाए इस पे,
तो करणी क्या है, हट जाती है। ठीक है, देखिए करणी के घात एन है यहाँ पे, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए के घात एक बटे एन, और पूरे के घात अगर एन लगा दिया जाए तो दोनों का गुणा हो जाएगा और घात में क्या बच जाएगा, एक, यानी कि ए आ जाएगा। तो इसी तरीके से करणी हट जाती है, ये आप नियम जानते होंगे। इसी तरीके से इस पर बेस्ड प्रश्न होते हैं। अब करणी में एक नियम समझिए कि करणी में अगर दो संख्याओं का गुणा हो रहा हो और करणी की घात एन हो, तो इस करणी को हम क्या कर सकते हैं, इस करणी की घात उतनी ही रखते हुए दोनों संख्याओं पे अलग अलग करणी लगा सकते हैं और बीच में गुणे का चिन्ह तो रहेगा ही। ठीक है, तो अगर करणी में ए इंटू बी हो रहा है, करणी की घात एन है, तो उसको लिखा जा सकता है करणी की घात एन करणी में ए गुणे करणी में बी और करणी की घात एन। ठीक, तो इस तरीके से ये आप इतना लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब करणी में अगर कोई भिन्न है और भिन्न के ऊपर करणी लगी हुई है एन घात की, तो अंश पे अलग करणी लगाया जा सकता है और हर पे अलग करणी। ठीक है, अलग अलग करके भी करणी को लिखा जा सकता है, बस घात वही रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसको इतना लिख सकते हैं, ये भी आपके प्रश्न सॉल्व करने में मदद करता है। इसके बाद देखिए, करणी के ऊपर अगर करणी लगी है, तो जैसे घात के ऊपर घात लगती है तो घातों का गुणा हो जाता है, वैसे ही ये भी समझ लीजिए करणी भी क्या है, घात है, तो यहाँ भी करणी का करणी होता है, करणी की जो घात होती है उस पे गुणा हो जाता है। ठीक, तो अगर कोई संख्या ए है उस पे एन करणी लगी है, फिर उसके ऊपर एम करणी लगी है, तो दोनों करणी का गुणा हो जाएगा, एम इंटू एन हो जाएगी घात करणी की, एक ही करणी लग जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला आपका है, अगर कोई संख्या ए है और एन करणी की घात है, उसके ऊपर एम है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये चाहे घात यहाँ आप ऊपर ब्रैकेट में लगाइए या अंदर संख्या पे लगा दीजिए, बात वही है, आप समझ ही गए होंगे। तो इस तरीके से ये, अब देखिए ये इस तरीके से अगर कहीं दिया हो सी बटे ए धन एन करणी की घात करणी में बी, तो इसी का जो हर में दिया है, बस आप इसका चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, इसको प्रमेयीकरण करना कहते हैं। इस तरीके से प्रश्न अगर आया सरल करने को, तो ऊपर नीचे चिन्ह जो हर है उसका चिन्ह बदल के बस ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, फिर आपको एक सरलतम रूप मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके की प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके बाद पूर्ण वर्ग संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हैं, वे संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग होती हैं, जैसे एक एक का ही वर्ग होता है, दो चार, चार जो होता है दो का वर्ग होता है, नौ तीन का वर्ग होता है, 16 चार का वर्ग होता है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इनको भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपके प्रश्न हल करने में मदद करती हैं। इसके बाद आप वर्गमूल निकाल ही लोगे, वर्गमूल निकाल लोगे आप गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, और दशमलव संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल लोगे, घनमूल आप निकाल लोगे गुणनखंड विधि से, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर आपने देख लिया। इसके बाद आपका जो सेकेंड चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इसमें हम फॉर्मूले की बात करें, इसमें जो मुख्य सोचने की बात होती है, जो मुख्य फॉर्मूला होता है, वह यही होता है कि कोई भी घटना अगर बोल दिया है कि ये घटना घटित हो रही है, एक पासे को उछाला जा रहा है, तो क्या क्या आ सकता है, वह होता है प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस। इसको लिखना ये आपको आना चाहिए, और आपको एक चीज सोचनी और आनी चाहिए कि मेरे अनुकूल घटना क्या हो रही है, तो उसी प्रश्न में लिखा रहेगा कि सम संख्याओं के आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, पासे पे आने वाली दो चार छह, तो इस तरीके से हमारी अनुकूल घटना, तो प्रोबेबिलिटी जो निकल के आती है किसी भी घटना के होने की, जो संभावना होती है वह होती है बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, यानी कि प्रतिदर्श समष्टि। मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में कहें तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वह अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं होता है, जिसे लिख सकते हैं PE बराबर NE बाई NS। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी इसी तरीके से इतना ही अगर आप दिमाग में सोच पा रहे हो कि कोई घटना हमसे पूछ रहा है और किसी घटना की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो उस घटना में कितनी चीजें हो सकती हैं, ठीक, वो आपको देखना है, और आपके अनुकूल कितनी चीजें हैं, कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती हैं और हमारे अनुकूल कितनी घटनाएं हैं, बस यही सोच के आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी में, और प्रोबेबिलिटी जब भी आप निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी का जो मान आएगा वह 0 से बड़ा और 1 से छोटा आएगा, यह हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रायिकता जब भी आप निकालेंगे। ठीक,
इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका माध्यिका और बहुलक। माध्यिका और बहुलक में माध्यिका देखिए, माध्यिका के दो फॉर्मूले होते हैं। जब माध्यिका की गणना जब आपकी विषम संख्या हो, जब कुल संख्याएं जो दी गई हैं, जो माध्यिका निकालने के लिए संख्याएं दी गई हैं, उन वो कितनी संख्याएं दी गई हैं वह अगर विषम होता है, ऑड होता है, तो माध्यिका का ये फॉर्मूला आपको लगाना है। माध्यिका बराबर एन धन एक बटे दोवे पद का मान, ये ध्यान रखिएगा, उस पद का मान जो होता है वह माध्यिका होता है, वह पद नहीं। ठीक, तो ये हो गया। और जब सम संख्याएं दी रहती हैं, जब सम संख्याओं का आपको निकालना रहता है माध्यिका, तो आपका ये फॉर्मूला लगता है माध्यिका की गणना, जब आंकड़ों की जो संख्या है वह सम हो, ठीक है, इवन हो, तो माध्यिका का जो फॉर्मूला लगता है वह एक बटे दो का पूरे में गुणा हो रहा है, फिर उसके बाद एन बटे दोवे पद का मान धन एन बटे दो धन एक, ये धन एक अलग से है, वे पद का मान, तो इन दोनों पद का मान आप रखेंगे। और माध्यिका में सबसे पहला स्टेप जो होता है फॉर्मूला लगाने से पहले का स्टेप, जो भी आंकड़े आपको दिए गए हैं उन आंकड़ों को एक व्यवस्थित क्रम में लगा लेना होता है, ठीक है, तो इस तरीके से। और अगर आपको सारणी में इस तरीके से आंकड़े दिए हैं तो आप एक क्रम में लगा लोगे इस तरीके से। और अगर आपको सारणी वाले प्रश्न में दिखाऊं, सारणी में अगर दिया गया है तो सारणी में आपको इस तरीके से दिया रहेगा पद और बारंबारता, आपको एक कॉलम और बना लेना होता है संचयी बारंबारता का, ताकि आप वह पद खोज पाओ कि वह पद कौन सा है, उस पद का मान कितना है। ठीक, तो इस तरीके से ये माध्यिका आप कर लोगे। इसके बाद बहुलक आपका आता है, तो बहुलक बहुत ही आसान है। आपको पता है कि किसी भी आंकड़े में जो सबसे अधिक बार आता है, जिसकी आवृत्ति बारंबारता सबसे अधिक होती है, वही हमारा बहुलक होता है। तो किसी भी आंकड़े में आप क्रम से लगा लीजिए, जो संख्या जितनी बार आई है उतनी बार लिख लीजिए, और देख लीजिए कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है, वही आपका बहुलक हो जाता है। ठीक, तो बहुलक समझ गए आप। इसके बाद आपका चौथा चैप्टर आ जाता है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में देखिए, सबसे पहले त्रिकोणमिति में जो आपको समझना है कि इसमें हम काम करते हैं समकोण त्रिभुज में, तो एक कोण तो 90 अंश का होगा, और 90 अंश के सामने की जो भुजा होगी वह कर्ण होगी, और जो कोण हम लोग लेंगे वो थीटा, थीटा के सामने की जो भुजा होगी वह लंब होगी, परपेंडिकुलर, और ये जो तीसरी भुजा बची थीटा से लगी हुई वह आधार हो जाता है, बेस। ठीक, अब इसके बाद इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होता है कि जो कर्ण की लंबाई होती है, कर्ण भुजा का जो वर्ग होता है वह दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का योग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और यह आपको केवल ट्रिग्नोमेट्री में ही नहीं, आपको शंकु में भी काम आएगा, और जगह जगह आपको ये फॉर्मूला काम आएगा, तो ये फॉर्मूला बहुत मस्ट है, ये याद रखिएगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, साइन बराबर क्या होता है, साइन लंब बटे कर्ण होता है, साइन जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण जो कॉस होता है आधार बटे कर्ण होता है, इसका एक सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, लाल बटे कक्का। ठीक, तो पहले साइन, साइन के लिए ये, फिर कॉस के लिए ये, टेन के लिए ये, साइन हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, और कॉस हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक, तो इस तरीके से ये आप याद कर लोगे इतना। इसके बाद आपको पता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, यानी कि साइन बराबर वन बाई कोसेक, कोसेक बराबर वन बाई साइन, ये आप समझ गए। कॉस उल्टा होता है सेक का, और टेन उल्टा होता है कॉट का, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये इतना फॉर्मूला याद कर लिया आपने। अब वैल्यूज याद करना, वैल्यूज याद करना मैंने एक अलग वीडियो में आपको बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप वैल्यूज ये याद रखिएगा, साइन जीरो अंश पे जीरो होता है, साइन तीस अंश पे एक बटे दो होता है, साइन चालीस अंश एक बटे रूट टू होता है, साइन साठ अंश रूट थ्री बाय टू होता है, नब्बे अंश एक होता है। अब इसी को पलट दीजिए, देखिए कॉस जीरो अंश पे एक होता है, और 30 अंश पे रूट थ्री बाई टू होता है, 45 पे दोनों बराबर होते हैं, फिर जितना साइन 30 पे होता है ये 60 पे होता है, और जितना साइन 0 पे होता है ये 90 पे होता है, और टेन इन दोनों का बटा ले लीजिए, शून्य बटे एक शून्य हो जाएगा, एक बटे दो बटे रूट तीन बटे दो, तो कितना आ जाएगा एक बटे रूट थ्री। तो इस तरीके से ये फॉर्मूलेस आप याद कर लेंगे, ठीक है, और इसको लिखना भी मैंने सिखाया है आपको, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, वो भी एक वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है,
ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और इसमें क्या चीजें और ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद रखनी है क्या चीजें वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए सर्व समीकाएं होती हैं, सर्व समीकाएं जैसे आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, वो हमेशा सत्य होता है। ए और बी का कोई भी मान रख दीजिए, वैसे ही यहाँ पे त्रिकोणमिति में ये तीन सर्व समीकाएं हैं, ये हमेशा सत्य होती हैं। किसी भी प्रश्न में कुछ भी आप लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको कहीं दिख रहा है तो उसके जगह पे आप मान एक रख सकते हैं, और कहीं पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो उसके जगह सेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक, तो इस पे कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। अब इसके बाद अगर कहीं पे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा तो वो कॉस थीटा में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, और टेन कॉट में, और कॉट टेन में, फिर सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। तो इस तरीके से ये आप कर लोगे कहीं पे, जैसे अगर साइन 90 माइनस 30 डिग्री लिखा है तो ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री के बराबर, इसी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। अब आगे देखिए, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन हो गया। अब इसके बाद लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु, दो आकृति आपको समझना है। ये देखिए लंबवृत्तीय बेलन इस तरीके से पूरा सीधा खड़ा रहता है, जैसे आपका गैस का सिलेंडर आता है कुछ उसी तरीके से। अब उसकी जो ऊंचाई होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर सर्कुलर होता है, ऊपर वृत्ताकार होता है, नीचे वृत्ताकार होता है, और इसकी हाइट h होती है, और जो आधार है वो वृत्ताकार है तो उसकी त्रिज्या आर हो जाती है। ठीक है, तो ऊंचाई और इसमें त्रिज्या, यही दो चीजें होती हैं। अब इसमें दो फॉर्मूले आपके आते हैं, दो फॉर्मूले। एक तो इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो कितना आता है, 2πr, जो एक परिधि होती है, और उसमें गुणा कर दीजिए एच का, 2πr इंटू एच, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है बेलन का। अब इसमें वो पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं है ऊपर वाले वृत्त का और नीचे वाले वृत्त का, अगर वो दोनों भी जोड़ दिया जाए तो इसी में प्लस 2πr² और हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर पूछता है तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है वह हो जाता है 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक, तो ये हो गया। अब बेलन में क्या है, बेलन 3D आकृति है तो उसमें आयतन भी होगा। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला आप समझ लीजिए, बेलन के आयतन का फॉर्मूला जो होता है वह होता है 2πr आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, 2πr² इंटू एच, यही हो जाता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके बाद ये आपका बेलन में इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं। अब बेलन के बाद आपका लंबवृत्तीय शंकु, लंबवृत्तीय शंकु आप समझते हैं जैसे जोकर की टोपी, या आपका जो आप जिसमें कोन वाली आइसक्रीम खाते हैं तो वही ये शेप होता है। इसमें तीन चीजें होती हैं, देखिए जैसे बेलन में ऊंचाई होती है वैसे लंबवत ऊंचाई इसमें भी होती है, और जैसे त्रिज्या होता है वैसे त्रिज्या इसमें भी होता है, लेकिन इसमें एक और चीज होता है, ये तिर्यक ऊंचाई होती है। तिर्यक ऊंचाई ऊंचाई से अलग होती है, ये तिरछी ऊंचाई होती है, लंबवत ऊंचाई नहीं होती है। तो इसे एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्लैंट हाइट जिसे बोलते हैं। ठीक है, और इसका आप देखिए अगर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक, जिसमें अभी ये नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल नहीं जोड़ा गया, ये केवल कर्व, केवल अगर वक्र बोल रहा है, कहीं पे वक्र बोल रहा है तो इसका मतलब कर्व एरिया, ये जो मुड़ा हुआ एरिया है इसका क्षेत्रफल की बात हो रही है। और अगर कहीं पे संपूर्ण बोल दिया तो मतलब कर्व वाले क्षेत्र का भी आपको एरिया बताना है और जो वृत्त है उसका भी। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाता है वो हो जाता है पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ के। तो इसको लिख सकते हैं पाई आर कॉमन ले लीजिए तो एल प्लस आर, तो ये फॉर्मूला हो जाता है पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये हो जाता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके शंकु का। अब इसके बाद ये शंकु आप समझ गए, शंकु का आयतन भी समझ लीजिए। शंकु का आयतन जो होता है बेलन का एक तिहाई होता है, यानी कि 1/3 का गुणा कर दीजिए बेलन के आयतन में, यानी कि v 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाता है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। ठीक, ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वह है द्विघात समीकरण, रेखीय समीकरण। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें द्विघात समीकरण में आपको बस
गुणनखंड करना आना चाहिए, गुणनखंड आप आसानी से कर लोगे। मैंने बहुत सारे प्रश्न गुणनखंड पे कराए हुए हैं, ठीक। इसमें ए बी सी आप निकालना, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है आपको, और बीच वाले पद को, एक्स वाले पद को तोड़ देना है, आप गुणनखंड आसानी से कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस मैंने करा ही दिए हैं। और उसके बाद जब दो आपको इस तरीके से दो चर वाले आपको रेखीय समीकरण दिए रहे, तो दो विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्यूशन कर लोगे और एक विलोपन विधि से, इन दोनों विधियों से आप इन दोनों समीकरणों को हल कर लोगे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला जो चैप्टर है आपका वृत्त। तो वृत्त में आपको कुछ बताना ही नहीं है, वृत्त में आप समझ रहे हैं कि एक त्रिज्या होती है, एक परिधि होती है, और त्रिज्या का दूना व्यास होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आपको पता ही है, ठीक है। तो वृत्त में आपको सब पता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, परिधि क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप समझ रहे हो। वृत्त के सारे फॉर्मूले आपको याद ही होंगे, आर त्रिज्या हो गया, टू आर आपका डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया आपका, ठीक। इस तरीके से वृत्त आप कर लोगे। इसके बाद देखिए चतुर्भुज और उनके प्रकार। चतुर्भुज में आपको क्या समझना है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चतुर्भुज में पहले क्या क्या होती हैं, भुजाएं होता है, शीर्ष होता है, कोण होता है, विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण होते हैं, तो इस तरीके से संलग्न भुजाएं होती हैं, संलग्न भुजाएं जिसका जो शीर्ष होता है वो कॉमन होता है, और जो सम्मुख भुजाएं बोला जाए तो वो आमने सामने की भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप समझ गए। अब आपसे चतुर्भुज आपको पता होना चाहिए कितने तरीके के चतुर्भुज होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके क्या गुण होते हैं। जैसे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण 90 अंश के, दोनों विकर्ण बराबर, दोनों विकर्ण, विकर्ण की जो लंबाई होती है अगर भुजा ए है तो ए रूट टू होता है। इसी तरीके से आयत, आयत के सम्मुख भुजाएं बराबर, सभी कोण 90 अंश के, सम चतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण जो होते हैं वह 90 अंश के नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज दोनों युग में जो होते हैं वह समांतर होते हैं। तो चारों भुजाएं जो है वह समझ लीजिए कि दो के जोड़े में समांतर होती हैं। समलंब में आपका क्या होता है, समलंब में आमने सामने की एक जोड़ा जो होता है वह समांतर होता है। और पतंग में आप समझिए क्या होता है, पतंग में जो संलग्न भुजाएं होती हैं वह बराबर होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपके चतुर्भुज के प्रकार। अब समलंब चतुर्भुज जो होता है इसमें आप समझ लीजिए, समलंब चतुर्भुज में जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, समांतर भुजाओं का, जो समलंब में एक ही जोड़ा समांतर होता है भुजाओं का, तो उस दोनों भुजाओं का जो लंबाई होता है उनका आप योग कर लीजिए, उनका आधा कर लीजिए, और उन दोनों के बीच की दूरी, यही दोनों का जो गुणा होता है वह क्षेत्रफल दे देता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला इसी तरीके से बन जाता है, एक बटे दो दोनों भुजाओं का योग गुणे दोनों भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये हो जाता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिएगा, इस पे आधारित प्रश्न आपने किए ही होंगे, मैंने कराए हैं खूब सारे। अब इसके बाद आता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, जो जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो ए बी सी डी आप देखते हैं अगर वृत्त पे स्थित है तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो जाता है इस तरीके से। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं उनका जो योग होता है वह 180 अंश होता है, यानी कि ए कोण है तो ए के सामने का कोण, सम्मुख कोण कौन सा होगा, सी होगा, तो इन दोनों का योग जो होता है वह ए और सी कोण मिलके 180 अंश बनाते हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ये याद रखिएगा आप। अब वृत्त में आप समझिए कि जो चीज आपको याद रखनी है, अब कोई भी वृत्त मैंने ऐसे खींचा और इस वृत्त में क्या हुआ कि अगर एक लाइन ऐसे गई, या इसी लाइन को क्या बोल देते हैं, ए बी पॉइंट लेकर के, ए बी क्या हो जाती है हमारे, जीवा हो जाती है। अब इस जीवा के द्वारा आप समझिए, कोई हमने पॉइंट ले लिया डी, अब इस डी पॉइंट को आप मिला सकते हैं ए और बी से, और इससे हम क्या कहेंगे कि ये जो ए बी जीवा है या डी बिंदु पे इस कोण को आंतरित कर रही है। और इसी तरीके से अगर कोई पॉइंट सी आ जाता है, ठीक है, तो बोल देंगे फिर ए बी से अगर मिला दिया जाए सी पॉइंट को, तो ये भी बोलेंगे कि सी बिंदु पे ए बी जो है वह कोण बना रहा है। तो यहाँ पे अब देखिए ए बी ने दो भागों में बांटा है वृत्त को, तो ये
अब यहां से क्या कह सकते हैं कि ये दो वृत्त के दो खंड हो गए। अब एक वृत्त खंड में किसी जीवा के द्वारा जो बने कोण होते हैं वह बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से नीचे वाले भी वृत्त खंड में अगर दो कोण आपको मिल जा रहे हैं तो ये समान होते हैं। तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि कोण बी और कोण डी जो होंगे वह बराबर होंगे, कोण सी और कोण डी जो होंगे वह बराबर होंगे, एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। यहां से ये नियम आप लिख सकते हैं कि एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। इसके बाद देखिए अर्धवृत्त पे जो बना कोण होता है, अगर आप समझिए कि किसी व्यास द्वारा कोण बनाया जा रहा है परिधि पे, तो वह कोण 90 अंश का होता है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ये जो जीवा है केंद्र से होकर के जाने वाली है तो ये जो कोण बनाती है वह 90 अंश का यानी कि समकोण बनाती है। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस मैंने करा दिया। अब कुछ प्रश्न और हैं जिसको आप देख ली, कुछ सूत्र और हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपको पता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसी तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी आप याद रख लीजिएगा। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और कहीं पे थोड़ा इस्तेमाल पड़ सकता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला हो गया। और यूनिट्स को कैसे आपस में बदलते हैं ये चीजें मैंने प्रश्नों में कराई हैं, लेकिन जैसे एक किलोमीटर में 1000 मीटर हो गए, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गया, एक सेंटीमीटर में आपका 10 मिलीमीटर हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और आपका एरिया कैसे बदलता है, जैसे एक सेंटीमीटर क्यूब आपका कितना मीटर क्यूब होता है ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे छोटे छोटे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं प्रश्नों में काम आएंगी। तो ये इतना फॉर्मूला, ये सर्वसमिकाएं और ये यूनिट का कन्वर्जन, इतना और आपको पता होना चाहिए, और जितना फॉर्मूला मैंने यहाँ पे करा दिया ये सारी चीजें। अब यहाँ पे और कुछ कहीं से भी प्रश्न नहीं बनेगा, और इतना अगर आपने कर लिया है तो आपकी पूरी तैयारी है, आप अच्छे से पेपर करके आइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका पूरा ये फॉर्मूले के साथ साथ पूरा रिवीजन हो गया होगा। और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि सभी लोग इसी तरीके से कम समय में पूरा अपना 4 सेमेस्टर का सभी फॉर्मूले को उनके दिमाग में फिर से रिवीजन हो जाए, कहाँ कोई गलतियां होने वाली हैं वो दिमाग में आ जाए, और क्या क्या चीजें हैं सारी चीजें उनको समझ में आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही हेल्पफुल क्लास रही होगी। आप कमेंट करके बताइए कैसी रही ये क्लास, और अधिक से अधिक शेयर करिए इस क्लास को, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, राजन पवन सब कुछ मैं करा चुका हूँ, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप अच्छे से, अब पूरे अच्छे मन से, पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर देकर के आइए, आपका पेपर निश्चित ही आप 25 में 25 स्कोर करके ही आओगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।